Hey guys and welcome back to my YouTube channel with another episode. हम जा रहे हैं अभी कालकेजी के लिए जहाँ पार्किंग है. पार्किंग में जाके जो डीजे सेटअप है उनकी वीडियो बनाएंगे. रस्ते में हम अभी मैं हूँ इसको टोल टैक्स के पास, जो DND का टोल टैक्स है इसके पास हूँ मैं. मैंने सोचा यहाँ पे भी मुझे कुछ डीजे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे एक डीजे मिल गया है. डीजे प्रीतम सिंह जो है, एक डीजे मुझे मिल गया है यहाँ पे. इनसे भी भाई से पूछ रहे थे, उसके बाद हम कालकेजी में जाके जो वहाँ की पार्किंग है वहाँ के बारे में देख के तो बताएंगे. भाई से भी अपने देख रहे तो क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या सिस्टम नहीं है. तो फिलहाल तो यहाँ पे एक डीजे मिल गया जो कि छाछा चौधरी है. तो ये सेटअप है भाई का पूरा सिस्टम एकदम कैड़ा. राम राम भाई, क्या हाल है आपके? राम राम भाई, कैसे हो भाई? तो भाई कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है वैसे इसमें? इसमें भाई 800 टॉप लगेंगे, मतलब चार जाल पे लगे, चार टॉप ऊपर लगे, चार मिड बॉक्स लगे हैं और 10 बेस है इसमें. तो भाई अभी जो जा रहे हैं ना, वो आप यहाँ पे खड़े हो क्या, पार्टी आ रही है या क्या, कैसे सिस्टम है? हमारी पार्टी आ चुकी है, बस हम भी अपना डिनर करके अभी बस निकल रहे हैं तुरंत. तो कल जो रहेगा कि आप कल जाओगे वहाँ पे कालकाजी से या परसों के परसों में जाओगे? बस अभी हम लड़के वगैरह खाना खा ले और वहाँ पे कालकाजी मंदिर पर पहुँच के अपना जॉब लेके अभी तुरंत अभी निकलेंगे बस. तो अगर वहाँ पे जैसे आप पहुँचोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे डीजे जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि सेटअप आए, टेस्टिंग वगैरह हो, कॉम्पिटिशन उनके साथ हो. तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, मतलब कॉम्पिटिशन अगर होने लगे तो करोगे आप? तो और भी बड़े बड़े सेटअप है. हाँ बिल्कुल, कॉम्पिटिशन कोई दिक्कत ना हो. मतलब आपका डीजे भी जो है मतलब एकदम आर पार का है? सबके आर पार के हैं जी, आजकल किसका कम है. बस ये है कि हाँ कॉम्पिटिशन की बात आएगी तो कॉम्पिटिशन करेंगे, खुली सी बात है. हल्का तो हम भी नहीं रखते अपना. चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच. ठीक है भाई. तो ये भाई का सेटअप है, आप देख लो जैसे भी है. ओके भाई, टोटल बेस टॉप एकदम फुल सेट, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है कि साइड साइड से लगाया हुआ एकदम आर पार. बाकी हम देखते हैं कि कालकाजी पे अभी कौन कौन से डीजे मिलेंगे. कल हमने जिस पार्टी से बात की थी, पार्टी वाले बोले थे कि सगुन डीजे आ रहा है. अभी आज के टाइम में वो आ चुका है, मैं तो वहाँ पे था नहीं, पर मुझे भी टाइम लग गया रात में जाने के. अभी वहाँ पे देख जाके देखेंगे कि कौन कौन से डीजे आया है. जो सगुन है आई होप, क्योंकि पार्टी से मेरी बात हुई थी, पार्टी ने कहा था कि 6 बजे के आसपास हम चलेंगे, 6 बजे के आसपास चलेंगे. अब देखते हैं वहाँ जाके कि वे गए हैं या रुके हुए हैं. आई होप कि सगुन डीजे भी मिल जाए. बाकी कल जो कनिका बजा था उसके साथ भी कोई कंपटीशन होने को मिल जाए तो देखते हैं. अभी फिलहाल टोल टैक्स पे तो हमें एक ही डीजे मिला, बाकी आगे की ओर देखते हैं हम. तो यहाँ पर रास्ते में तो दिख गया भाई हमें मनीष गुर्जर, इसका आगे का नाम जय माता जी. बड़ा ही सुंदर रथ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी रथ लगाई हुई है जिसमें लाइटिंग्स वगैरह सब लगी हुई है. अब थोड़ा डीजे पे नज़र डाल लेते हैं. हमें रात के टाइम में डीजे मिला था पृथ्वी गुज्जर, ये वो ही है जो कि भाई ने सेटअप लगाया हुआ था सात चांदर. अभी इसके आगे में जो डीजे है पृथ्वी गुज्जर देखेंगे. तो ये भाई का पृथ्वी गुज्जर जो कि हमने कल देखा था, अब उसकी जो टेस्टिंग है वो अभी सुनी नहीं हमने. बाकी इस डीजे की वीडियो जो है वो कल के टाइम में हम डाल चुके थे. उस टाइम पे तो ये डीजे बंद था, लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पे हमें मिल गया रास्ते में. इसकी पालकी भी बहुत बढ़िया सजी हुई है. आगे में जो परी गुजर जा रहा है उसको भी स्टार्ट कर लेंगे. Yeah, but...